23 मई जैसे ही समाप्त होगा, आचार संहिता खत्म और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है गांव और शहर के अंतर को खत्म करना। तो कोडरमा में जो आप वार्ड में स्ट्रीट लाइट देखते हैं, 23 मई के बाद 24 मई से पूरे झारखंड के गांव में स्ट्रीट लाइट एलईडी लाइट लगेगी। हर गांव में पेयजल घर पर ही गांव पर ही मिले, इसकी भी योजना पूरी बन गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर टेंडर होकर ये काम भी शुरू हो गया। उसी तरह गांव कीचड़, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत, तो हर गांव में फेवर ब्लॉक का सड़क का भी काम मई महीने के बाद, ये तीन योजना गांव में फेवर ब्लॉक सड़क और गांव में स्ट्रीट लाइट और गांव में पीने की पानी की व्यवस्था, 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के पहले ये 32,000 गांव में ये सारे काम। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सिर्फ कोडरमा नहीं, संथाल में भी 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत। हमारा आदिवासी समाज सजग हो गया। मैं 100 बार संथाल परगना गया, हमने एक एक गांव में आदिवासी गांव में चौपाल लगाया और हमने आदिवासियों को समझाया किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाला बाबूलाल मरांडी किस तरह आदिवासियों को छला ठगा। इसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के लिए रिजर्व सीट है।